राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग जो सबसे अधिक देसी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसका नाम है आमेर दुर्ग। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर दूर आमेर गांव में स्थित यह किला दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इस किले का निर्माण जयपुर के महाराजा कछवाह नरेश राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने इसे नवीनीकृत किया, इसे सुदृढ़ीकृत किया। 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसे वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल किया गया। इस किले के प्रमुख आकर्षण दीवाने आम, एक ऐसा स्थान जहां पर राजा आमजन के साथ भेंट किया करता था, अर्थात जन सामान्य के साथ राजा वार्ता किया करता था, सलाह मशविरा किया करता था, उनके दुख दर्द को समझा जाता था। उनके दुख दर्द को समझे जाने के स्थान को दीवाने आम कहा जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है दीवाने खास, जो आमेर महल का सबसे अच्छा आकर्षण है। दीवाने खास में राजा अपने खास लोगों के साथ मंत्रणा किया करते थे। उनके अमाते, उच्च पदाधिकारी उनके साथ वह गुप्त वार्ताएं या अन्य वार्ताएं किया करते थे। इस दीवाने खास की सबसे प्रमुख इमारत का नाम है शीश महल। इसे शीश महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दीवारों के ऊपर चारों तरफ, इसके गुंबद पर, साइड की दीवारों के ऊपर शीशे जड़े हुए हैं, और यह दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है, और सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे अच्छा और सबसे सुंदर शीश महल है। इस शीश महल में अगर कहीं भी किसी भी कोने में एक मशाल या फिर एक मोमबत्ती जला देने भर से पूरा किला रोशनी से जगमग हो उठता है। चारों तरफ चांदनी बिखर जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। इस महल का अगला आकर्षण है माता शीला देवी का मंदिर, जो दुर्ग के भीतरी प्रवेश द्वार के पास ही बना हुआ है। इसके अलावा किले के अंदर अद्भुत नक्काशी की गई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग लोक में आ गए हैं। ये नक्काशी दिखने में बहुत ही शानदार और मन को लुभाने वाली है। इस नक्काशी की कलाकारी को जो कोई देखता है वो इस कलाकारी का कायल हो जाता है। और आकर्षण है केसर की क्यारी। केसर की क्यारी का निर्माण यहाँ के राजाओं ने केसर उत्पादित करने के लिए करवाया था, लेकिन मौसम प्रतिकूल होने की वजह से यह केसर उत्पादित नहीं हो पाई। इस क्यारी की सिंचाई करने के लिए, जो आप इस क्यारी के चारों तरफ एक तालाब दिखाई दे रहा है आपको, ये मावठा तालाब है, इसका निर्माण इस क्यारी की सिंचाई करने के लिए करवाया गया था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।